अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया दस्तखान। आप सभी व्यूअर्स का सानिया दस्तखान में स्वागत है। बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं अपने दस्तखान में पेश करने जा रही हूँ रॉयल वाइट मटन कौरमा, जो कि बहुत ही स्पेशल डिश है और आसान भी, जिसको किसी भी खास मौके पर हम बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। आज ईद उल अजहा स्पेशल में रॉयल वाइट मटन कौरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि दावत को और भी खास बना दे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स से वाकिफ करा देते हैं। रॉयल वाइट मटन कौरमा बनाने के लिए मैंने 1/2 kg मटन लिया है, इसको वॉश कर लिया है, और साथ में 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। 2.5 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है, फ्रेश पीसा है मैंने। 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग और 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं मैंने। पहले हम प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। गैस पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, उसमें 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो घी में ही बना सकते हैं, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें सारी प्याज डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। हमें प्याज को चलाते हुए फ्राई करना है और ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो। 2.5 से 3 मिनट में ये इतनी फ्राई हो जाएगी कि इसका कच्चापन निकल जाएगा और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज फ्राई हो गई है जिस तरह से हमें चाहिए, बिल्कुल प्याज वैसे ही हुई है। इसका सारा कच्चापन निकल चुका है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। बस इसी पॉइंट पे हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, और इसी ऑयल में हम साबुत मसाले जो हमने आपको मेंशन किए थे, तेज़पात के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, सभी कुछ हम ऑयल में डाल देंगे और तकरीबन 15 से 20 सेकेंड के लिए हम इसको तेल में ही भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर सारा ऑयल में आ जाए। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है इस वक्त, और 15-20 सेकंड बाद हम इसमें मटन भी शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो मटन का अपना पानी होता है वो सारा सूख जाए और जो मटन की स्मेल है वो निकल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं मटन को भूनते हुए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और लहसुन अदरक के साथ भी मैं इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह से। इसमें अब हम नमक शामिल कर देंगे और साथ में 1/2 कप पानी डाल दूंगी, जितना कि मटन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। मटन को एक बार फिर से चलाकर मैं अच्छी तरह से उसके बाद इसका ढक्कन लगा दूंगी और मटन को गलने तक पका लूंगी। जब तक मटन कुक हो रहा है तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते। पाउडर मसालों में 1 teaspoon दखनी मिर्च का पाउडर है, 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1/2 teaspoon जीरा पाउडर। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, 18 से 20 मैंने मखाने लिए हैं, और 1 teaspoon चारों महज है, 6 बादाम हैं और 10 काजू हैं यानी कि 20 टुकड़े, और थोड़े से साबुत मसाले हैं, 3 छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची के दाने हैं, 1/4 फूल जावित्री है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और छोटा सा पीस जायफल का है, तकरीबन मटर के दाने के बराबर। इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे या तो हम इसको पाउडर में पीस लेंगे, और मैं बादाम के छिलके उतार दूंगी। 1/2 कप दही है, तकरीबन 100 ग्राम, और 1/2 कप ही फ्रेश क्रीम है, आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं इसके लिए। 1 teaspoon कसूरी मेथी है और 6 हरी मिर्च हैं जिसको मैंने बीच से स्लिट कर लिया। मटन को मैंने हाई फ्लेम में 2 सीटी ली हैं, उसके बाद मैंने धीमा कर दिया था, उसको 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाया है। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और इसका नेचुरली मैंने प्रेशर रिलीज होने दिया, और मैंने इसका लिड हटा लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है एक्स्ट्रा, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और हमारा जो मटन है वो भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है, यानी कि गल चुका है। गैस जला दी है, फ्लेम लो है, और मैंने हरी मिर्च इसमें डाल दी हैं, और जो मैंने आपको पाउडर मसाले मेंशन किए थे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये है दखनी मिर्च, ये सबको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे मसालों के साथ। जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खड़े मसाले मैंने आपको मेंशन किए थे वो सब मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, आप थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट भी इसका पीस सकते हैं। इसको मैंने एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है और इसी के साथ मैं पिसी हुई प्याज और दही को 1/2 कप दूध मिला के इसी बॉल में मिक्स कर लूँगी।
ये पूरे पेस्ट को मैं कुकर में डाल के अच्छी तरह से मटन को मिक्स कर लूँगी और इसे तकरीबन लो फ्लेम में 3 मिनट तक भून लूँगी ताकि जो ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन है वो निकल जाएगा और इसका जो गर्म मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मटन में आ जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे लो फ्लेम में अच्छी तरह से भून लिया है। उसका देखिए जो ऑयल है वो भी सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसमें क्रीम शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। क्रीम डालने के बाद मैं कोरमे की कंसिस्टेंसी चेक कर लूंगी कि हमें कोरमा कितना गाढ़ा रखना है। मैं इसमें 1/2 कप पानी शामिल करूंगी। आप अपनी पसंद से पानी थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वैसे कोरमे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है। 2 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम में ढककर पका लूँगी ताकि इसका पानी भी पक जाए और इसका जो ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए ऑयल सरफेस पे आ चुका है और हमारा रॉयल वाइट मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कर लेंगे सर्व। मटन कोरमे को मैंने कर लिया है सर्व और इसको मैं गार्निश कर दूंगी थोड़े से अदरक के स्लाइसेस से, हरी मिर्च से और क्रीम से। और इस बकरीद के मौके पर आप ज़रूर रॉयल वाइट मटन कोरमे की रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।